मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा के प्रभाग नंबर 26 के जीवन बाग इलाके में कोटारी बिल्डिंग के पास कचरा जमा होने और वहां का ड्रेनेज का पाइप फटने की वजह से वहां का गंदा पानी आसपास की इमारतों में जा रहा था और वहीं पे ज़्यादा पानी बहने की वजह से रास्तों पर भी आ रहा था, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को और ख़ास तौर से नमाजियों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। इस तरह की शिकायत वहाँ के मुकामी लोगों ने मनपा अधिकारी को दी और वहीं पे इसकी शिकायत उन्होंने जो स्थानीय नगर सेविका दीपाली मोतीराम भगत को भी दी। इस तरह की शिकायत मिलने के बाद मोतीराम भगत और समाज सेवक इम्तियाज़ मलिम ने वहाँ का दौरा किया और उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो कोठारी बिल्डिंग के पास काफ़ी कचरा जमा हो गया और वहाँ का ड्रेनेज का पाइप फटा हुआ है, जिसकी वजह से सब पानी बह रहा है। और उन्होंने इस ताल्लुक़ से ये भी बताया कि यहाँ पे कई बार कचरा उठाया जा चुका है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे आसपास के लोग यहाँ पे कचरा डाल के चले जाते। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि जल्दी हम यहाँ पे कचरा सफाई कर देंगे और इमारत के जो कोठारी बिल्डिंग के लोगों से भी कहा है कि आप लोग इस तरह कचरा ना डालें और इस ड्रेनेज के पाइप को बनाए ताकि जो गंदा पानी है वो बाहर रास्ते पर ना है। वहीं इस ताल्लुक़ से उन्होंने मीडिया को भी बताया कि कई बार हमने यहाँ पे साफ़ सफाई भी की है और लगातार हम लोगों से अपील भी करते हैं कि कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके। इस कचरा फेंकने की वजह से चूहे अक्सर यहाँ पे जमा हो जाते हैं और वही चूहे उन कचरों को ड्रेनेज में ले जाते हैं और वहाँ पे ड्रेनेज फुल हो जाता है। इस तरीके की समस्या आगे खड़ी हो जाती है। आइए इस मौके पर क्या कहा इमारतों के लोगों ने वहीं पे इम्तियाज़ मलिम ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका, कौन से बिल्डिंग में रहते हैं और क्या परेशानी है? मेरा नाम मोहम्मद जकी खान है, मैं सुलेमान मंजिल में रहता हूं और ये कोठारी बिल्डिंग है। इसकी जो चैम्बर लाइन है, पाइप लाइन है, इसका ना चैम्बर है ना पाइप है, इसका पानी ना पूरा सुलेमान मंजिल में, बुरानी ए बी सी में सब में जा रहा है। तो बिरानी वाले कल कंप्लेंट किए व्हाट्सएप पर, आज हमारे नगर सेवक के इम्तियाज़ भाई आए हैं और ये बोले कचरा उठवाऊंगा मैं, और बिल्डिंग वाले भी भाभी लोग हैं, ये लोग बोल रही हम लोग चैम्बर अभी बनवा के लेंगे, तो देखिए इंशाल्लाह अगर चैम्बर और इनका लाइन बन जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो इधर से मच्छर ये दुनिया भर की बीमारी हो रही है, बहुत गंदगी हो गई है इनकी वजह से। तो इम्तियाज़ भाई आश्वासन दिए है कि सफाई करवा के, और ये भाभी लोग बोल रही है चैम्बर वगैरह बनवा देंगे, तो देखिए इंशाल्लाह हो जाएगा तो बहुत अच्छा काम होगा। नहीं तो कंप्लेन तो दो तीन बार म्यूनसिपाल्टी में हम लोग दे के आए, सागर सलूनकर सर को डायरेक्ट दे के आए, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसकी वजह से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। दुनिया भर की गंदगी है, मच्छर है ये वो, मगर कोई एक्शन लेने वाला नहीं। गंदगी की वजह से चूहे भी बहुत हो गए, चूहे तो इतना हो गए और पानी ये पूरा रोड तक पूरे जीवन बाग तक बहते हुए जाता है, पूरे जीवन बाग तक इधर से नमाजी लोग जाते हैं उनके पैर। क्या कहेंगे, बिल्डिंग में इतना कचरा है और गंदा पानी बह के दूसरी बिल्डिंगों में जा रहा है, इसकी शिकायत आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सही बात है, हम लोग को भी मालूम है कि सुलेमान में इधर उधर बहुत तकलीफ़ हो रही है, हर बिल्डिंग वालों को तकलीफ है, हमारी वजह से मस्जिद तक पानी जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी देखो आप लोग का थोड़ी मदद करेंगे तो हम लोग का कचरा साफ हो जाएगा, तो हम लोग खुद चैम्बर और पाइपलाइन वो सब बना के ले लेंगे। बिल्डिंग वाले की भी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे कचरा ना डाले, उसकी वजह से मैं अभी वही करूँगी, अभी पूरी जाली लगा के लूँगी हर एक फ्लोर पर, सबकी ग्रिल पर मैं जाली लगा के ले लूँगी। अभी कल ही रात में ग्रुप में चला है मैसेज का, इसका पानी आ रहा है पूरे नूरानी मस्जिद तक जा रहा है, बुरानी सी से सुलेमान मंदिर से लेके तो बुरानी सी बी के पीछे से पूरा मस्जिद तक पानी जा रहा है। ये कोठारी बिल्डिंग के जो ड्रेनेज लाइन है वो सब टूटे हुए हैं और जब तक बिल्डिंग की ड्रेनेज लाइन का ऊपर से काम नहीं होता है तो जब तक पानी का मसला इसी रहेगा। फिलहाल वक्त पर अभी उनको, मेरे को बिल्डिंग वाले से बात होगी है, मैंने उनको बोला हुआ कि ठीक है कचरा साफ करने, इसके पहले भी करा चुका हूँ कचरा साफ, इंशाल्लाह मैं आज से वापस से कचरा साफ करने लगाता हूँ, और उन्होंने आश्वासन दिए कि तुम कचरा साफ करो और हमारे ड्रेनेज लाइन का हम काम करके ले लेंगे। सुलेमान मंजिल के भी जो रहीवासी, उन्होंने भी यहाँ पे मनपा में शिकायत की, कई बार शिकायत की, लेकिन सही बात है कैसा काम होना का सवाल ही नहीं है। जब बिल्डिंग वाले कैसा, ये बिल्डिंग में ज़्यादा करके भाड़ूतरी लोग हैं, मुश्किल से 90% भाड़ूतरी है, 10% है, अब वो मेंटेनेंस नहीं निकाल पाते तो वो भी थोड़ा ऐसा ही है। मगर अभी आपा ने बात करी है कि भाई तुम आप कचरा साफ करके दे दो, मैं इंशाल्लाह बोले मैं आपको पाइप ड्रेनेज लाइन का काम करके देती हूँ।